बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और अमेजिंग किस्म की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं आलू की टिक्की। लेकिन आपने यूट्यूब पर बहुत आलू की टिक्की की रेसिपी देखी होंगी, लेकिन आज हम बनाएंगे अपने स्टाइल में और जी बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं, आलू को हम पील ऑफ कर लेते हैं। आलू को पील ऑफ करने के बाद अभी हम इन्हें कट कर लेते हैं। पहले इसे दरमियान में से कट किया, फिर एक कट लगाया और जी फिर इस तरीके से इसे कट कर लिया। ऐसे ही तमाम आलू को हम कट कर लेंगे। इनको कट करने के बाद अभी हमने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर हम इन्हें ऐड कर देंगे। फिर उसके अंदर डालेंगे पानी। और जी ये देखें जी, ये बॉईल होना शुरू हो चुके हैं और अभी हम इन्हें पूरी तरह से बॉईल करने के बाद निकाल लेंगे। और इसे ठंडे पानी के नीचे रख दिया हमने ताकि ये थोड़े से नॉर्मल वे में आ जाए। आलू सिरा हमारे एक तो जल्दी भी बॉईल हो जाएंगे और हमें बाद में पील ऑफ करने का भी नहीं होगा कि पील ऑफ करें और जी हाथ भी नहीं जलेंगे। अभी हमने प्याज ले लिया, प्याज को हम कट कर लेते हैं। प्याज को हमने इस तरीके से कट किया है, प्याज जो है वो कट हो चुका है। अभी हमने क्या किया है, हमने आलू ले लिए हैं, आलू को हम मैश कर लेते हैं। जब तक आलू को हम मैश कर रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जी साथ ही अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आलू कट करने के बाद अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया। सब्ज मिर्चें, लाल मिर्चें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड हल्दी, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया साबुत। इसकी स्मेल जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि और जी ये इसकी खुशबू से जो ताजगी का एहसास होता है ना, बहुत ही कमाल किस्म का होता है। साथ ही जीरा ऐड कर दिया। जीरा ऑप्शनल है, अगर आपके घर में पसंद करते हैं तो आप डालें वरना ना डालें, लेकिन इसका जायका जो है वो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके अंदर हमने लेमन स्क्वीज कर दिया, हमने 1 पूरा लेमन जो है वो स्क्वीज किया है। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी मिक्सचर जो है वो तो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। और जी मुझे तो इसका सूखा मिक्सचर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इधर हमने प्याज दोबारा से ले लिए हैं, अभी हम इन्हें गोल गोल कट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे मोटा रख कर कट करना है। और जी ये हम प्याज क्यों कट कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये प्याज क्यों कट किए जा रहे हैं। और जी ये हो गए हमारे प्याज कट और इनका दरमियान वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल हमने खाली कर लिया है।
अभी हमने क्या किया है, ब्रेड के पीसेस लिए हैं, उनको हम हल्का सा घी लगाकर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अब हम बनाएंगे ब्रेड का चूरा यानी के ब्रेड क्रम्स। और जी इधर हमने जो प्याज लिए थे, अब आपको बताते हैं कि वो हमने क्यों तैयार किए थे। उसके अंदर हमने जो ये टिक्की वाला मिक्सचर है वो फिल कर दिया है, और इधर हमने घी ऐड कर दिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। और जी अभी हम क्या करेंगे, हमने लिया है अंडा, अंडे को इसके ऊपर थोड़ा सा लगा कर दोनों साइड्स पे अंडा लगा लेना है। अच्छे से लगा लें, और जी प्याज के साइड्स पर भी लगाने की पूरी कोशिश करें। और इसके ऊपर से हमने लगा दिए हैं ब्रेड क्रम्स। और जी अभी हम इसे डाल देंगे घी में इसे फ्राई करने के लिए। एक के बाद जाएगा दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसे ही तमाम हम फ्राई कर लेंगे। और जी ये देखें, ये तकरीबन एक साइड से बिल्कुल हो चुके थे, और हमने इनकी साइड जो है वो पलट दी हैं। और जी ये दूसरी साइड से भी हो चुके हैं, और इन्हें हम पलट देते हैं और इन्हें डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाते हैं। और जी ये है हमारी प्यारी सी मुख्तलिफ अंदाज में आलू की टिक्की की रेसिपी। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।